धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बॉलीवुड के पावर कपल हैं। कई मुश्किलों के बावजूद उनकी शादीशुदा जिंदगी अब अच्छी बीत रही है। दोनों ने 1980 में शादी की थी। उस समय धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और बच्चों के पिता भी थे। हेमा मालिनी के लिए धर्मेंद्र से शादी करने का फैसला थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन उनके प्यार ने सब कुछ ठीक कर दिया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की दो बेटियां भी हैं। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में सेटल हो चुकी हैं। हालांकि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक साथ एक घर में नहीं रहते हैं। इस बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बात की थी। जब उनसे इंटरव्यू में कहा गया कि आप अपने पति से अलग रहकर अपनी बच्चियों को पालने की वजह से एक फेमिनिस्ट आइकन बन गई हैं, इस पर उन्होंने कहा कि धर्म जी भले ही हमारे साथ ना रहते हो, लेकिन वो हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं। हेमा मालिनी जी ने कहा था कि कोई वैसे नहीं रहना चाहता, लेकिन ऐसा हो जाता है। जो भी होता है आपको कबूल करना पड़ता है। हर औरत अपना पति, बच्चा और नॉर्मल लाइफ चाहती है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के साथ कुछ अलग किया था। मैं इस बारे में बुरा महसूस नहीं कर रही हूँ। मैं अपने से खुश हूँ। मेरे दो बच्चे हैं और मैंने बहुत अच्छे से उन्हें पाला है।